अब फर्स्ट हम देख रहे हैं इक्वी जॉइन ऑपरेशन इन रिलेशनल एलजेब्रा। इक्वी जॉइन ऑपरेशन इज वन इन विच द जॉइन कंडीशन कंसिस्ट ओनली ऑफ द इक्वलिटी कंडीशन। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें टू रिलेशन आर वन और आर टू को ज्वाइन करना है तो हम किसी कॉमन एट्रीब्यूट के बेसिस पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो कंडीशन लगेगी दो रिलेशंस को ज्वाइन करने के लिए वो क्या होगी, सिर्फ इक्वल्स टू। अगर दोनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यू जहां पर इक्वल हो वही टपल्स अगर हमें रिजल्टेंट रिलेशन में चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, इक्वी जॉइन। तो इसीलिए हमने क्या कहा है कि इक्वी जॉइन रिलेशन में क्या होता है, ज्वाइन कंडीशंस जो होती हैं उसमें सिर्फ क्या यूज होता है, इक्वल्स टू। इक्वालिटी कंडीशन मतलब सिर्फ इक्वल्स टू यूज होता है। द रिजल्टेंट रिलेशन ऑफ एन इक्वी जॉइन ऑपरेशन ऑलवेज हैज वन और मोर पेयर ऑफ एट्रीब्यूट दैट हैव आइडेंटिकल वैल्यूज इन एवरी टपल। बट इक्वी जॉइन में क्या होता है कि अगर हम दो रिलेशंस को ज्वाइन करते हैं तो उस केस में क्या होता है, दो एट्रीब्यूट्स की कॉमन वैल्यू मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर बुक एक रिलेशन है, एक पब्लिशर रिलेशन है, ठीक है। इन दोनों में ही पब्लिशर आईडी जो है कॉमन एट्रीब्यूट है, ये फॉरेन की है और यहाँ पर ये क्या है, इसकी प्राइमरी की है। अगर हमें इन दोनों रिलेशंस को आपस में ज्वाइन करना है तो हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ equals to operator. These two relations can be joined for tuples where book.pid equals to publisher.pid. तो हम उन tuples को मर्ज कर सकते हैं जहाँ पर book.pid और publisher.pid सेम हो। जैसे p1 दोनों मैच हो रहे हैं तो ये टपल मर्ज हो सकते हैं। यहाँ पर भी सेकेंड और फर्स्ट मर्ज हो सकते हैं, दोनों में p1 है। यहाँ पर ये p2 वाले मर्ज हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने equals to के basis पे इनको join कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या equi join है। तो इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रिलेशन हमारी बुक है, सेकंड रिलेशन हमारी पब्लिशर है। हम ये ज्वाइन का ऑपरेटर लगाएंगे, कंडीशन में क्या लिखेंगे, book.pid equals to publisher.pid। क्योंकि यहाँ पर हमने ऑपरेटर equals to यूज किया है इसलिए क्या है, इक्वी ज्वाइन का एग्जाम्पल है। तो इनमें अगर इक्वी ज्वाइन करेंगे तो देखो क्या आएगा, आउटपुट रिलेशन जो हमें मिलेगी उसमें क्या आएगा, ISBN, टाइटल, कैटेगरी, प्राइस, पेज काउंट और पब्लिशर आईडी, बुक की भी आएगी और पब्लिशर की भी पब्लिशर आईडी आएगी, ठीक है। और पब्लिशर नेम और एड्रेस, ये सारे कॉलम्स आ जाएंगे दोनों के मर्ज होके। और इसमें टपल्स कौन कौन से आएंगे, जहाँ पर पब्लिशर आईडी और बुक की पब्लिशर आईडी और पब्लिशर की पब्लिशर आईडी क्या होगी, सेम होगी। तो XYZ वाला पूरा टपल आएगा क्योंकि यहाँ पर P1 मैच हो रहा है दोनों में, तो P1 पब्लिशर का नेम और उसकी एड्रेस प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली ABC वाला बुक जो है वो भी उसकी सारी डिटेल्स प्रिंट हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। फिर थर्ड वाले की भी होंगी, फोर्थ वाले की भी होंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिशर आईडी मैच हो रहा है। लेकिन क्या पब्लिशर 3 और 4 की एंट्री आएगी क्या इसमें, नहीं आएगी, क्योंकि 3 और 4 की एंट्री बुक वाले में नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ पब्लिशर 1 और पब्लिशर 2 के नेम और एड्रेस प्रिंट होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है book.pid और publisher.pid रिपीटेशन में प्रिंट हो रहा है, यहाँ भी वही वैल्यू प्रिंट हो रही है, यहाँ भी, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू जहाँ पर सेम है वही टपल्स प्रिंट हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सिर्फ एक ही कॉलम कोई प्रिंट हो, तो आप क्या कर सकते हो, नेचुरल ज्वाइन का यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन क्या होता है रिलेशनल अलजेब्रा में, अ नेचुरल ज्वाइन विल रिमूव वन ऑफ द डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ इक्वी जॉइन। जो इक्वी जॉइन का रिजल्ट है उसमें से अगर आप चाहते हो कि जो डुप्लीकेट एट्रीब्यूट हैं, जैसे हमने वहां देखा था पब्लिशर आईडी बुक का भी प्रिंट हो रहा था और पब्लिशर का भी प्रिंट हो रहा था, तो आप चाहते थे कि किसी एक की डुप्लीकेसी कम कर दें हम, डुप्लीकेट एट्रीब्यूट नहीं प्रिंट हो, तो आप किसका यूज कर सकते हो, नेचुरल जॉइन का। द नेचुरल जॉइन ऑफ टू रिलेशंस R1 एंड R2 इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग ए प्रोजेक्ट ऑपरेशन टू द इक्वी जॉइन ऑफ द टू रिलेशंस R1 एंड R2। तो अगर आपको रिलेशनल अलजेब्रा में नेचुरल जॉइन परफॉर्म करना है दो रिलेशंस के बीच में, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, प्रोजेक्ट ऑपरेशन को यूज कर लो इक्वी जॉइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये हमारा प्रोजेक्ट ऑपरेशन पाई था, हम क्या चाहते हैं प्रिंट हो जाए, हम इस रिलेशन में चाहते हैं ISBN प्रिंट हो जाए, टाइटल, कैटेगरी, प्राइस, पेज काउंट, बुक की PID, पब्लिशर का नेम और पब्लिशर की एड्रेस। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एट्रीब्यूट कौन कौन से हमें प्रिंट करवाने हैं, ISBN, टाइटल, कैटेगरी, प्राइस, पेज काउंट, book.pid, पब्लिशर नेम और एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट ऑपरेशन यूज करके जो हमें एट्रीब्यूट डिस्प्ले करवाने हैं वो लिख लेंगे और यहाँ पर हम इक्वी जॉइन लिख लेंगे। तो हम किसका इक्वी जॉइन कर रहे हैं, दो
रिलेशन बुक और पब्लिशर को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन बुक डॉट पी आई डी इक्वल्स टू पब्लिशर डॉट पी आई डी। एसक्यूएल में हमने देखा था नेचुरल ज्वाइन का एक क्लॉज था, नेचुरल ज्वाइन वर्ड यूज करके हम दो रिलेशंस को मर्ज करते थे तो उस केस में डुप्लीकेसी नहीं आती थी आउटपुट रिलेशन में, लेकिन हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑपरेशन का यूज़ करके डुप्लीकेट एट्रीब्यूट को रिमूव करना होगा।